My name is Sangeeta Mehta and you're watching my channel My English Magazine. Today I explain to you modal verbs. I explain modal verbs किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की हैं और इसके use. So first of all I explain to you can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, used to, need, must, dare, ये सब क्या हैं. These are the modal verbs. अब जैसे कि इसके name से ही पता चल रहा है कि ये modal verbs हैं तो इसको मैं थोड़ा सा explain करती हूँ कि modal verb जो है ये इंग्लिश लिखने और बोलने में सहायता करती हैं जिससे वाक्य जो है जो सेंटेंस है वो सिंपल हो जाते हैं और जैसे कैन. अब हिंदी में कैन कैन मीन्स इंग्लिश में कैन कहेंगे और कैन क्या है मॉडल वर्ब है सकना. इसका मीन्स है सकना सकती सकते आदि. ठीक है कुड सका सकी सके या सकता था सकती थी सकते थे आदि में सकना सकती सकते संभावना या पूर्व अनुमान लगाना. माइट सकता सकती सकते चाहिए आदि. शैल गा गेगी शुड चाहिए. विल इच्छा व्यक्त करने के लिए. वुड करता था चाहूँगा. ऑट टू चाहिए चाहिए था. यूज्ड टू करता था जाया करता था आदि. नीड चाहिए या जरूरत चाहिए था जरूरत था जरूरत है आदि. मस्ट चाहिए जरूर चाहिए था आदि. देर हिम्मत करना. तो इस तरह से आज मैंने आपको मॉडल वर्ब्स बता दिए कि दीज आर द मॉडल वर्ब्स. अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ. मॉडल एक ऐसी सहायक क्रिया है जो वाक्यों के फॉर्मेशन यानी बनावट में मदद करती है. इन्हें सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या केवल मॉडल वर्ब के नाम से जाना जाता है. मॉडल्स साधारण वर्ब से बिल्कुल अलग होते हैं क्योंकि ये वाक्यों को एक अलग भाव प्रदान करते हैं. इसलिए इसका प्रयोग वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ समर्थता संभावना गुण आज्ञा संभावना आवश्यकता आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. मैं आपको इसके गाइस एग्जांपल्स भी बताती हूँ. मैं जा नहीं पाया. भगवान करे आप सफल हो जाएं. तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था. मैं तुमसे एक बार मिलना चाहूँगा. राम को जाना चाहिए. तो ये सब मैंने आपको उदाहरण इसके कुछ एग्जांपल्स बताए. अब ये कितनी है इनकी संख्या कितनी है काउंटिंग में ये कितनी है तो 13 है. ये काउंटिंग में जब हम इनको काउंट करते हैं तो ये 13 है. कैसे कैन कुड मे माइट शैल शुड विल वुड ऑट टू यूज्ड टू नीड
मस्ट डेयर। ये सभी मॉडल या मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वाज, वर, विल आदि। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आदि। यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स इन हिंदी। मॉडल वर्ब्स के कुछ नियम बताऊंगी मैं अब आपको। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का प्रयोग फुल वर्ब, मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया दोनों रूप में होता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज नीड और डेयर को छोड़कर प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का फॉर्म एस, ई एस, वी यानी वी वन, वी टू, वी आई एन जी सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदल जाता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग सभी पर्सन और नंबर के साथ समान रहता है। जैसे आई कैन डू दिस, यू मे कम, यू कैन डू दिस वर्क, ही मे कम, दे मे कम। यहाँ फर्स्ट पर्सन यू, सेकंड पर्सन दे, थर्ड पर्सन तीनों में कैन का ही प्रयोग किया जाता है। आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड दे थर्ड पर्सन। उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी इज में भी भिन्न भिन्न पर्सन के साथ प्रयुक्त हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब परिवर्तन हो जाता है। जैसे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, दे हैव गॉन, ही इज ईटिंग, यू हैव ईटन। आई के साथ गो लगाकर आई गो एक वाक्य बनता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब एम लगने पर गो का रूप बदल कर गोइंग हो जाता है। लेकिन मॉडल्स के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, दे मस्ट गो देयर। परफेक्ट टेंस के फॉर्मेशन में मॉडल्स के बाद आने वाला मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है। क्रिया के तीसरा रूप यानी वी थ्री का प्रयोग होता है। जैसे तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा, तुमने महात्मा गांधी का नाम अवश्य सुना होगा। यू मस्ट हैव हियर द नेम ऑफ महात्मा गांधी। उन लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, दे शुड हैव हेल्प द पुअर। यदि मॉडल के बाद बी का प्रयोग हुआ तो मुख्य क्रिया का रूप बदल जाता है और क्रिया का चौथा रूप यानी वी फोर का प्रयोग होता है। वे जा रही होगी, शी मस्ट बी गोइंग। वे लोग खा रहे होंगे, दे माइट बी ईटिंग। वर्षा नहीं
हो रही होगी। इट मे नॉट बी रेनिंग। मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज नीड डेयर और टू तथा यूज टू को मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। ये चारों ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो अपने ग्रुप के अन्य मॉडल वर्ब से कुछ अर्थों में भिन्न हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मॉडल वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया में नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग क्रिया के रूप में होता है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू मच। टुडे आई एक्सप्लेन टू यू मॉडल वर्ब्स। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। यू आर वॉचिंग माई चैनल।